स्वामी सजनों, अब तो माहीवाल को सपना दिखाई दिया और सवेरे होते ही जैसे ही बिस्तर से उठा हालत खराब, सोचने लगा कि अब मुझे गुजरा गांव की ओर जाना चाहिए। प्रेमी सजनों, सोहनी की तलाश में माहीवाल अपने एक दो साथी को लेकर के चल दिया। सजनों, रास्ते में क्या देखा, जब गुजरा गांव के पास एक सराय में माहीवाल ने पड़ाव डाल दिया। दोस्तों, एक दूसरा काफला नजदीक ठहरा हुआ था और उस काफले में सलामत नाम के पदवा मजदूर पर जुर्म ढाया जा रहा था। माहीवाल उसकी हालत देखकर, दोस्तों, उसके बदले कीमत देकर उसे छुड़ा लेता है। अरब तो सलामत भी माहीवाल के साथ चल दिया। प्रेमी सजनों, रात हो गई। किस तरह से सोच रहे हैं माहीवाल कि अब मुझे गुजरा गांव सोहनी के घर जाना चाहिए। किस तरह से अगले दिन फिर चल दिया और जैसे ही रास्ते में चल रहे हैं तो डाकुओं ने जबरू नाम के लड़के को पेड़ से बांध रखा था। माहीवाल ने जब लड़के को खोलना चाहा तो डाकुओं ने डटकर मुकाबला किया। दोस्तों, माहीवाल को यह पता चलता है कि डाकुओं की जो सरदार है उसका नाम जरीना है। कहने लगा, औरत की जात पर हम हथियार नहीं उठाते हैं। कहता है कि मैं औरतों पर हथियार उठाऊं तो हमारा ईमान घट जाएगा। फिर क्या था, जरीना ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जबरू नाम के लड़के को छोड़ दिया। माहीवाल अब गुजरा गांव की ओर चल दिया। दोस्तों, किस तरह से माहीवाल उस गांव में पहुंच गया और घर घर बर्तन देख रहे हैं और बूझने लगा कि यहां पर सबसे अच्छे बर्तन कौन बनाता है। पता चला कि तुल्ला कुम्हार के घर सबसे अच्छे और खूबसूरत बर्तन बनते हैं और सोनी जो उसकी लड़की है कारीगरी का कमाल है। प्रेमी सजनों, सोहनी के घर ही क्यों नहीं पहुंच गया, अरदास करने लगा किस तरह से तुल्ला कुम्हार उस लड़के की हालत को देख करके रहम खा जाते हैं। जब बताया कि मैं बर्तन सीखने के लिए यहां पर आया हूं तो किस तरह से सोहनी से कहने लगा, तुल्ला कुम्हार से नहीं। कर के न सोहनी गार इस माहीवाल ने बर्तन बनाने सिखाइए। कर के न सोहनी गार इस माहीवाल ने बर्तन बनाने खातर ही सीखने आया कार यो अपने
हाथा भला किसे का हो बेटी उधारियो। प्रेमी बंधु, अब तो माहीवाल को तुल्ला कुम्हार के घर में बर्तन सीखने का बहाना मिल गया। दोस्तों, तुल्ला कुम्हार को
कोई जरूरी काम पड़ गया और सोहणी को यह कहकर, बेटी सोहणी तुम्हें इस माहिवाल को अच्छी तरह से तवज्जह से बर्तन सिखाने हैं और मैं चलता हूं बेटी, कल आऊंगा। फिर क्या था, अब तो माहिवाल ने एक नजर सोहणी की ओर देखा और सोहणी ने एक नजर माहिवाल की ओर देखा। प्रेमी दोस्तों, प्रेम के फूल झड़ने लगे। किस तरह से दोनों की बातचीत आज एकांत में शुरू हो जाती है, तीसरा कोई नहीं। सोहणी कहिए, तुम्हारी सूरत की चाहत मेरे दिल में उस दिन से थी जिस दिन से तुमने सुराही हर्ष नाम के आदमी के साथ मेरे धोरे भेजी थी। अच्छा, और सोहणी एक प्रेम की लगन लगी हुई थी, सोच रहा था ये हमें पैदा करने वाले वो दिन कौन सा होगा कि जिस दिन ये तस्वीर, ये दौलत, ये मेरी जिंदगी का तमाशा मुझे देखने को मिलेगा। अच्छा, और आज मेरे मुकद्दर की देन कि मैं तुम्हारे घर ही आ गया। अब क्या कहना चाहते हो सोहणी? तुम्हारा ये रूप बेमिसाल है, कैसे वर्णन करूं इसका, तुम कितनी अच्छी लगती हो देखते ना। अच्छा, और देखण में लागे सोहणी। अच्छा, देखण में लागे सोहणी, मेरा नाम कुदरती सोहणी। हाँ, देखण में लागे सोहणी, मेरा नाम कुदरती सोहणी। बनाने बर्तन सिखाइए कारीगरी का कमाल सीख जी भर के महिवाल मत मन में शरमाइए। देखण में भी लागे सोहणी, मेरा नाम कुदरती सोहणी। हाँ, देखण में लागे सोहणी, मेरा नाम कुदरती सोहणी। बनाने बर्तन सिखाइए कारीगरी का कमाल सीख जी भर के महिवाल मत मन में शरमाइए। हाँ, देखण में तू लागे सोहणी। चांद सा चेहरा तेरा देख, चांद सा चेहरा हुई मेरे मन में चाहना। लगी लगन प्रेम की दिल में बर्तन सीखण का बहाना। तेरा देख चांद सा चेहरा हुई मेरे मन में चाहना। प्रेम की गंगा में नहीए लगी काल जब मैं हाल उठ प्रेम भरी जाल सुख आनंद तैरई। देखण में तू लागे सोहणी, मेरा नाम भी कहते सोहणी। देखण मेरी लागे सोहणी, मेरा नाम कुदरती सोहणी। बनाने बर्तन सिखाइए कारीगरी का कमाल सीख जी भर के महिवाल मत मन में शरमाइए। देखण मेरी लागे सोहणी। सोहणी तू भी कुछ कहना चाह रही? बस सुन ले बेटा मेरी बात, कह दे बर्दाश्त नहीं होगी। सौगात सपन की माही सारत भी खूब सुन राखी। शहीर पीर के ससाजा
कुछ कसर न रह रही बाकी। सौगात सपन की रमाही, सौरत भी खूब सुन राखी। शहीर पीर के ससाजा, कुछ कसर न रह रही बाकी। नजदीक मेरे आइए, करके प्रेम की बौछार जो यो जान जा संसार मत बिल्कुल घबराइए। देखण मेरी लागे सोहनी, मेरा नाम को धरती सोहनी। हाँ, देखण में तू लागे सोहनी, मेरा नाम को धरती सोहनी। बनाने बर्तन सिखाइए, कारीगरी का कमाल सीधी भर के महिवाल मत मन में शरमाइए। देखण मेरी लागे सोहनी। चंद्र मुखी मूर्ति, जैसी सपन में सूरत देखी वैसी ही खूबसूरती। तू भी काम देव सा सोना, जच चंद्र मुखी मूर्ति। सुरती प्रेम की तू लइए, तेरी सूरत का कुर्बान मेरे दिल का तू मेहमान। रिश्ते नैन भइए, देखण मेरी लागे सोहनी, मेरा नाम को धरती सोहनी। देखण में तू लागे सोहनी, मेरा नाम को धरती सोहनी। बनाने बर्तन सिखाइए, कारीगरी का कमाल सीधी भर के महिवाल मत मन में शरमाइए। हाँ, देखण मेरी लागे सोहनी। हो प्यार का बंधन कैसा, कथना सुन ऋषि पाल की। यो बेहद कथा से प्यारी, सोहनी और माहीवाल की। हो प्यार का बंधन कैसा, कथना सुन ऋषि पाल की। यो बेहद कथा से प्यारी, सोहनी और माहीवाल की। प्रेम में दिल बजर चाहिए, हीरे रांझे जैसा प्रेम, लालू मजनू जैसा नेम को सुंदर मिल गई है। देखण में लागे सोहनी, मेरा नाम को धरती सोहनी। बनाने बर्तन सिखाइए, कारीगरी का कमाल सीख जी भर के महिमान मत मन में शरमाइए। देखण में लागे सोहनी। माशूक मोहब्बत के दरिया में बह रहे सजनों, सोहनी की खूबसूरती का तो जवाब ही नहीं था। कितने ही लोग उसकी सूरत को तरसते थे, और उसी गांव का एक आवारा लड़का सोहनी से प्यार करता था, लेकिन सोहनी उसे नहीं चाहती थी, हरगिज नहीं चाहती थी। सोहनी का अगर प्यार शुरू हुआ तो केवल सौदागर के लड़के माहीवाल से। सजनों, अब तो सोहनी के पिता किला कुम्हार वापस आ गए, और सोहनी और माहीवाल एक तरफ तो
बर्तन बनाने का काम चल रहा है सोनी, एक गुरु के रूप में महिवाल को शिक्षा दे रही है, और दूसरी ओर तुल्ला कुमार से छिप कर दोनों मोहब्बत निभा रहे हैं। और जब इश्क मोहब्बत की बातें करते हैं तो कहीं कहीं जाके छिप जाते हैं, नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। आवारा लड़के ने उसे देख लिया, और दोस्तों सोनी के पिता तुल्ला कुमार से शिकायत की और किस तरह से कहने लगा सुनेंगे इस आगे। यो थारी बेटी सोनी चाहवे से इज्जत खोनी, बतलावे से महिवाल ते, करो ब्याह सगाई सोचो गहरे ख्याल ते। बेटी सोनी चाहवे से इज्जत खोनी, बतलावे से महिवाल ते, करो ब्याह सगाई सोचो गहरे ख्याल ते। Yeah.
ढकरी हंस हंस के हो जाना काटे में बंधा से कर रम सकरी हंस हंस के सोनी ने थारी शान बिगाड़ी कर मैं फंस गए कस के छाती में थारा साथी तू हम दर्द हिमाती रगाती खोलो आप अपनी टोलो बच्चे बेरी न कालते करो ब्याह सगाई सोचो गहरे ख्यालते यो बेटी सोनी चाहवे से इज्जत खोनी बतलावे से महिवालते करो ब्याह सगाई सोचो गहरे ख्यालते आखिर बात क्या है तो दोस्तों वो आवारा लड़का अपनी बात में चार चांद लगा के कहने लगा और किस तरह के आदर्शवाद के उपदेश देने लगा कि भले आदमियों जवान बहन बेटी का घर से जाना बिल्कुल ठीक नहीं है और ये जवान बेटी है सोनी मैंने जो तुम्हारे यहां पर ये बर्तन बनाने का काम सीखता है माहीवाल इस तक खुल का बतराती है नदी नहर के किनारे मैंने अपनी चश्म दी आख्या तो देखा सजनों वो किस तरह से बात में लपेट लगा के और भकाता है सोनी के पिता को किन शब्दों में सुनेंगे अमित की आवाज Thank you.
Darnell.
सजनों, जिस जबरू को माहीवाल ने डाकुओं के गृह से छुड़ाया था, उस जबरू की बहन मलकानी सोहनी के घर आया जा करती थी। और इतना ही नहीं कि जबरू का रिश्ता सोहनी से हो चुका था, लेकिन किसी वजह से रिश्ता मलकानी खुद न खुद तोड़ाई थी। और जब जबरू ने यह बताया कि बहन मलकानी, मैं सोहनी के भाग से डाकुओं के गिरोह से बच गया, तो फिर रिश्ता जोड़ने के लिए मलकानी जाती है, लेकिन मंजूर नहीं होती बात। साथियों, अब तो सोहनी महिवाल का प्यार चल रहा है, और जब प्यार के चर्चे सारे शहर में फैल गए तो तुल्ला कुम्हार पर सारी बस्ती का दबाव पड़ गया कि महिवाल अब तुम्हारे घर नहीं आएगा, इस बस्ती में नहीं आएगा। प्रेमी सजनों, तुल्ला कुम्हार ने माहीवाल को घर आने से रोक दिया, लेकिन माहीवाल ने ढोर चराने शुरू कर दिए, कितनी भैंसें खरीदी। प्रेमी सजनों, उस आवारा लड़के ने जिसने शिकायत की थी उसकी भैंसों को जहर दे दिया। डकरा के रोने लगे माहीवाल कि मेरा जो कुछ सहारा था यहाँ रहने का, सोहनी से मोहब्बत करने का, आज वो सहारा भी छूट गया। सजनों, फिर तो रुधन मचा रहे हैं माहीवाल, लेकिन सोहनी की याद नहीं छोड़ते। और टाइम पर अबेरी सवेरे सोहनी से मिलते हैं, लोगों ने देख लिया, और अब तो माहीवाल को पेड़ से बांध दिया और ये कह दिया कि तुल्ला कुम्हार ने अगर अपने घर आने से इसे नहीं रोका तो इस बस्ती को मिट्टी नहीं मिलने देंगे। प्रेमी सजनों, किस तरह से आज पेड़ से बंधे हुए हैं माहीवाल, और क्या सोच रहे हैं। हाय मोहब्बत, क्या क्या रंग दिखाएगी, सुनिए। मोहब्बत में सोहनी की मन छोड़ेगी मारे के आंसू भर भर ये रे 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 आंसू भर भर रोवे सहज बंधा पेड़ से कस के पाक मोहब्बत सोहनी की मन इब छोड़ेगी दास के
बात करे हंस हंसी के पाक मोहब्बत सोनी की मने इब छोड़ेगी डासे के आंसू भरी भरी रे 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 आंसू भरी भरी रोवे से अजी बड़ा पेड़ ते पासी के पाक मोहब्बत सोनी की मने इब छोड़ेगी डासे के माहीवाल को फांसी की सजा सुना दी गांव वालों ने और ये कह दिया कि गुजरा गांव के कुम्हारों को मिट्टी जब मिलेगी जब इस माहीवाल का कत्ल हो जाएगा। सजनों सोहणी को समझा रहे हैं आज सोहणी के पिता तुल्ला कुम्हार। बेटी मेरी साहबजादी, गुजरा गांव के लोग भूखा मर रहे हैं, इसलिए बेटी तू ये कह दे कि मैं माहीवाल से कभी जिंदगी में मिलूंगी नहीं। दोस्तों हां कर ली सोहणी ने, लेकिन एक शर्त रखी। अब्बा जान मेरी एक शर्त कौन सी बेटी? माहीवाल को फांसी के फंदे से अलग कर दिया जाए।
और मैं कभी जीते जी माहीवाल से मिलूंगी नहीं। सजनों कबूल हो गई बात, लेकिन माहीवाल को जैसे ही हंसी के फंदे से खोला गया, बेहोशी हालत में सोहणी सोहणी कहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वो ठेस सोहणी के दिल में जाके उसके घर में लगी और कुछ समय बाद सोहणी ने आज तो महिवाल से फिर छुपके से मुलाकात की और दोनों आशिक और मासूम इस तरह से बातचीत कर रहे हैं। सुनेंगे सोहणी। कहिए महिवाल। ये आज पहली और आखिरी मुलाकात है। अच्छा। आखिरी मुलाकात से सोहणी हेरी होया जमाना बैरी, जी के इव के करना से घनी कष्ट आत्मा सहरी। सच्चा मोहब्बत आखिरी मुलाकात से सोहणी होया जमाना बैरी, जी कैब के करना से घनी कष्ट आत्मा सहरी। मोहब्बत की मिल रही जो तेरी सजा भुगतनी पड़ रही, फसरिया इश्क प्रेम का फंदा, पाक मोहब्बत के रिश्ते में लोग कहें क्यों गंदारी। दुनिया के दो प्रेमी हम हो प्रेम का रिश्ता अंधा, प्यार अजीब कौन सा से करें फिर खुल के प्रेम परिंदारी। अपने कर्म का साथी बंदा ऊपर खुली कचहरी, जी कैब के करना से घनी कष्ट आत्मा सहरी। अरे सजा मोहब्बत की मिल रही जो होया जमाना बारी, जी के मुश्किल और ऐसे बस कसर मरण की रही। सोहणी कहो महिवाल। अब ये जमाना ये बस्ती और ये दुनिया हमें अच्छी नजर से नहीं देख रही है, इसलिए अब हमें ये दुनिया छोड़ देनी चाहिए। हम तो जन्म जन्म के प्रेमी हैं जी, हम अगर ऊपर वाले को मंजूर होगा तो खुदा की कचहरी में जाके मोहब्बत करेंगे। छोड़ दो इस दुनिया को, क्या कुछ और कहना है? हाँ भाई बात सुनिए। अरे बिना प्यार के जग सुना, बिना प्यार के जग सुना, बिन प्रेम नहीं जिंदगानी, लख चौरासी जीव जंत में प्रेम करे हर प्राणी, करी मोहब्बत सस्सी पन्नू ने हुई अमर कहानी, लैला मजनू हीर पीर की बात रही न जानी रमाही। कैब के करना से घनी कष्ट आत्मा सहरीरी।
सोहनी, जो तने ये प्रमाण दिए हैं, प्रमाण तो और भी और ने सुन ले, मरना तो हमें है। हाँ कह दे महिवाल, सुना दे सारी बात आप। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भी है। राधा कृष्ण तेरी, राधा कृष्ण के ऊपर क्यों हुई नहीं पाबंदी, जिकर होया ना बदनामी कारी, हुई क्यों दुनिया अंधेरी। रूमियो और जूलियट ने के करी मोहब्बत गंदी, बिना जेल की दीवारों में फिर करे जमाना बंदीरी। हरी के तुक बंदी दुनिया सारी हमें आवारा कहरी, जीना मुश्किल हो रहा से बस कसर मरण की रहरी। सोनी कहो महिवाल, अब इस दुनिया में जीना पल पल भरी है, तुझे जो कुछ कहना है जल्दी कह। आज जीवन से दुश्वार भरायो, जीवन से दुश्वार कोई भी ना इमदाद करनिया, कोसे आज जमानायो गंगा में गाद करनिया। मर जाएंगे हम एक दिन होगी यो दुनिया याद करनिया, ऋषि पाल को सुंदर कुदरत की फरियाद करनिया रमाही। सुनता नहीं मुराद कोई यो किस्मत कभी तेरी, जी कैब के करना से खनी कष्ट आत्मा सहरी। आखिरी मुलाकात से सोहनी होया जमाना बैरी, तेरा जीना मुश्किल हो रहा से बस कसर मरण की रहरी, जीना मुश्किल हो रहा से बस कसर मरण की रहरी। आइए अंत में सुनते हैं सोनी महिवाल की मौत का पैगाम। अरे परेशान हो के सोनी महिवाल ने कसम उठाई, जीने तो जीवन ना दे दुनिया के लोग लगाई, जीने में इब नहीं फायदा मरना ही बेहतर से, छोड़ो प्रीत जगत का घर ना वापस जाना कितनी बड़ा तबाही, जीव तो जीवन ना दे दुनिया के लोग लगाए। इस दुनिया में जीने तैयब कोई आनंद नहीं से, कौन रोक ले मरने पाबंद नहीं से, बंद छुटे जा रहे इस ढाला ही ना कोई और दबाई, जीवे तो जीवन ना दे दुनिया के लोग लगाई। नदी के जल में कूद पड़े जग ते मुंह मोड़े सोहनी, झंझट हो जा खत्म जगत कारी, जान हमें बखोरी होनी चक्करी काटे से इब जागी
सिंदर के गाने में वीर खास मिठास नहीं से पास नहीं संयम ते गान विद्या में हो गहराई प्रेमी साथियों दोनों सोनी और महिवाल इस मोहब्बत की खातिर नदी में कूद पड़ते हैं और उस ऊपर वाले के प्यारे हो जाते हैं। दुनिया देखती रह जाती है, भीड़ झुकी है आज नदी के किनारे पर। सजनों सोनी महिवाल का किस्सा यहीं पर समापन हो रहा है। श्रोताओ जय हिंद जय भारत।